दिग्विजयनाथ उत्तर महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग एवं ICW के संयुक्त तत्वावधान में हिंद प्रशांत क्षेत्र के भारतीय विदेश नीति पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के कुलपति संजय श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि आज की गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय विदेश नीति की क्या भूमिका है, जिस पर पूरे देश में बहुत सारे शोध भी हो रहे हैं। इसके साथ ही चर्चाएं भी हो रही हैं कि इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। भारत दक्षिणी पूर्व एशिया में जितने भी देश हैं उनसे भारत का व्यापक संबंध रहा है। भारतीय कला संस्कृति और धर्म का प्रभाव इस क्षेत्र में देखा जा सकता है और शुरू से ही हो रहा है कि यदि हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इस क्षेत्र की जड़ें काफी मजबूत हैं, जबकि कुछ देशों में हिंदू धर्म का भी प्रभाव देखा गया है। इन कई देशों के साथ आप देखते हैं तो कलिंग राजाओं का भी व्यापारिक संबंध रहा है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि संजय श्रीवास्तव जी, माननीय कुलपति, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के आदरणीय माननीय प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, प्राचार्य दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर, ICWA के प्रतिनिधि डॉक्टर पुनीत गौर जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आदरणीय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रूसी राम महानंदा सर, हमारे बड़े भाई जो डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर शैलेश सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, आज के इस संगोष्ठी के संयोजक श्री इंद्रेश कुमार जी, संचालक डॉक्टर त्रिभुवन मिश्र जी और यहाँ उपस्थित सबसे प्रिय छात्र छात्राओं, आज की संगोष्ठी का जो विषय है हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की जो विदेश नीति है उसको किस तरह से समझा जाए, विषय इतना जो है आजकल इस विषय को लेकर के बहुत सारे शोध भी हो रहे हैं, बहुत सारे चर्चाएं भी हैं और जैसा कि अभी आपने बताया कि यह विषय एक ऐसा विषय है जिस पर पूरी दुनिया की जो है निगाहें हैं, पूरी दुनिया इस विषय को लेकर के जो है शोध के क्षेत्र में विशेष रूप से हम लोग किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो लगभग 15-16 सिनॉप्सिस इसी पे आती है, इंडो पैसिफिक रीजन पे। भारत की जहां तक बात करते हैं तो भारत का पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और उसके जितने भी देश उस रीजन के हैं उनमें से सदियों से भारत का बहुत व्यापक संबंध रहा है। भारतीय कला संस्कृति और धर्म का प्रभाव इस क्षेत्र में देखा जा सकता है और शुरू से ही रहा है। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में उसने भी जड़ें काफी मजबूत की है, जबकि कुछ देशों में हिंदू धर्म का भी प्रभाव देखा गया है। इन कई देशों के साथ अगर आप देखते हैं तो कलिंग राजाओं का भी व्यापारिक संबंध रहा है। पल्लव तथा चोल राजाओं ने भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य इस क्षेत्र में किया है। इन्हें अगर देखें तो हम भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट या हिंद प्रशांत नीति के विकास की प्रथम गतिविधि के रूप में देखा जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की जब चर्चा होती है तो इसमें भारत क्या चाहता है, भारत का दृष्टिकोण क्या है, सबसे पहले उस बिंदु पर हम आते हैं। मूल बात यह है कि इस क्षेत्र में भारत का अनुबंध सीधे तौर पर है समावेशी। भारत इस क्षेत्र में समावेशी अनुबंध चाहता है। दूसरा एक बिंदु आता है कि एक मुक्त खुला समावेशी क्षेत्र जिसमें सभी देश प्रगत और समृद्ध के साझा उद्देश्य शामिल हो, दूसरा महत्वपूर्ण। एक तीसरा बिंदु इस क्षेत्र को लेकर के है कि इस क्षेत्र की साझा समृद्धि और सुरक्षा के लिए
वार्ता के माध्यम से एक तरीके से साझा नियम बनाए जाए, साझा नियम बनाने वाली एक व्यवस्था हो, और उसकी आवश्यकता भी लोगों ने महसूस की है और उस दिशा में कार्य भी हो रहा है। एक और बिंदु आता है, जैसे कि समुद्र वायु क्षेत्र के संबंध में साझा इस्तेमाल के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत सबको समान पहुंच होनी चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत जो चाहता है। एक और बात आती है कि इस क्षेत्र में नियम आधारित मुक्त संतुलित और स्थायी व्यापार माहौल के समर्थन हो, व्यापार निवेश और सेवाओं के एक संतुलन होना चाहिए। मूल बात यह है कि इस क्षेत्र में जैसा कि अभी कहा गया कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, तो भारत चाहता है कि प्रतिस्पर्धा हो लेकिन टकराव न हो। प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, भारत की नीति कभी नहीं है, भारत ने कभी दुनिया के किसी देश को गुलाम नहीं बनाया है। भारत की सोच अगर आप देखेंगे तो हम कहां तक नहीं थे, हमारी सीमाएं कहां, अखंड भारत की संकल्पना अगर आप देखते हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, हम कहां नहीं थे, लेकिन हम जहां भी थे हम सब में थे, सब हमारे में थे। हमारी ये नीति नहीं रही हमने किसी को गुलाम बनाने की।